पर न्यूमेरिकल पोर्शन आपको स्टार्ट करना है। एक हमने कराया था, एक ये प्रॉब्लम है एक सेल रेजिस्टेंस, सेल रेजिस्टेंस किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स सर्किट आ सकता है। सेल दो वोल्ट, फोर वोल्ट, एक ओम, फोर ओम, फाइव। कैलकुलेट करना है कि प्रत्येक ब्रांच में कितनी, एक दो तीन ब्रांच हो गए, कुछ जंक्शन होते हैं, ब्रांच होते हैं, लूप होते हैं, किसी भी ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है यह हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? मान लेते हैं इस सेल के कारण आई वन करंट फ्लो हो रहा है, इस सेल के कारण आई टू करंट फ्लो हो रहा है ना, और क्वेश्चन ये है कि आई वन कितना है और आई टू। कैलकुलेट आई वन एंड आई टू इन द सर्किट। होना क्या है, कैसे करेंगे? किरचॉफ के दो लॉ हमने बताए थे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बताया था, क्या बताया था? किसी भी जंक्शन पर बिल्कुल ठीक, आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होता है, ये बताया था। या ये भी कह सकते हो कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट्स हैं जो उससे पास आउट होती हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम जीरो। बहुत अच्छी बात आपको याद है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शंस में दिखा देंगे। करंट कहाँ फ्लो होगा, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की। भई ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है आउटवर्ड, पॉजिटिव टर्मिनल है आउटवर्ड। इस जंक्शन पर किरचॉफ लॉ आप अप्लाई कीजिए, कितना करंट आ रहा है आई, कितना करंट आ रहा है आई, इस जंक्शन से जाने वाला करंट कितना होगा, इन दोनों का सम होगा, यही तो होगा। सबसे पहले ये कार्य करें, किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करें। 5 ओम में आई वन प्लस आई टू फ्लो हुआ, इस पॉइंट पर जाकर क्या होगा, इधर से आ रहा है आई वन प्लस आई टू, क्योंकि इस पूरी ब्रांच में आई वन प्लस आई टू ही फ्लो होगा। इस पॉइंट पर जाकर क्या हुआ, ये इधर को चला गया आई टू, और दिस वन। बात क्लियर है आपको या नहीं, समझ में आ गया आपको? बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है पर बहुत इजी इसका मेथड होगा, आप उसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या कार्य बताया मैंने आपको, क्या करेंगे सर्किट में आप, करंट की डायरेक्शन देखो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, कर दिया आपने, कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है, इन दो लूप में, पहले लूप में करंट की डायरेक्शन को एक फिक्स कर दो आप, कि भाई हम मान रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। वो मानो मन में डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन मानो, जो सर्किट में जाता हो। अब जैसे इधर को करंट आ रहा है, आ रहा है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज इधर को मान लेते हैं लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, कर लिया। अब इस लूप की हम बात करते हैं, नाम दे देते हैं इसे हम कुछ, ए बी सी डी ई एफ। क्लियर? सपोज करो मैं ए से शुरू, बी से शुरू होता हूँ लूप, या ए से शुरू होता हूँ, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, ए से शुरू करते हैं लूप, ए बी सी डी ए। क्लियर? करंट की क्या डायरेक्शन है, ये है, ए से चलते हैं, इससे ए से, फिर जो आप सेकेंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लगाया। अब यहां से हम शुरू होते हैं, इधर को चलते हैं, ए बी, कौन सा टर्मिनल आया, कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव या निगेटिव? जो टर्मिनल आता है वो ही पॉजिटिव ले लीजिए,
अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो नेगेटिव। क्लियर? पॉजिटिव टर्मिनल था तो क्या लिख दिया मैंने, प्लस फोर। नेगेटिव टर्मिनल पहले आता तो क्या लिखा, माइनस। इधर कोई क्यों चला, क्योंकि मैंने करंट की डायरेक्शन ये मान ली। ठीक, रेजिस्टेंस में क्या होगा, अगर करंट की डायरेक्शन आपने ये मानी है, इस डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, और इसके अगेंस्ट होगा तो हम निगेटिव लेंगे। बात समझ में आई आपको? हम डायरेक्शन अगर ऐसे लेते तब क्या होता, जो इस डायरेक्शन में करंट जाती पॉजिटिव, अपोजिट होगा तो। बात समझ में आया आपको? मैं जो हमने डायरेक्शन करंट की मानी है मन ही मन, अपने अपने दिमाग में जो हमने सोच लिया वो हमने लिया, तो पॉजिटिव फोर आगे गए, फोर ओम करंट इधर को फ्लो हो रही है और हम मान रहे हैं उल्टा, तो क्या क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस क्यों होगा, करंट तो उल्टा जा रहा है ना, और हमने सोच रखा है इधर को ले रहे हैं, तो क्या हुआ यार, फोर इंटू आई टू माइनस फोर इंटू आई टू। आगे गए, आगे गए, ये वन ओम आया, वन ओम में तो डायरेक्शन सही है, इधर कोई हमने मान रखा है, इधर कोई करंट जा रहा है, क्या हुआ, वन इंटू आई। कौन सा टर्मिनल आया सेल का, माइनस। मैंने क्या बताया था, अगर माइनस टर्मिनल आया तो ये माइनस, पहुंच गए ये पर वापस, इज इक्वल टू बोलो सच में आया नहीं आया, क्या आया, फोर माइनस टू टू, माइनस फोर आई टू प्लस आई वन इज इक्वल टू जीरो, आई वन माइनस फोर आई टू इज इक्वल टू माइनस टू, इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को, अब दोबारा से क्लियर करते हैं इस रूप की बात, किसकी, ए एफ डी डी लू। क्लियर, क्या लिखे, अप्लाई के जी एन, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या होता है, सिग्मा बी इक्वल टू जीरो। कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, हमने पहले ये डायरेक्शन मानी है, करंट भी इसी दिशा में है, तो हम यही डायरेक्शन दोबारा मान लेते हैं, मनी अपने माइंड में करते हैं कि ये डायरेक्शन है। क्लियर, चलते हैं कहां से, ए से, कहां गए, एफ वन, इधर करंट कितना है, आई वन प्लस आई, और यही डायरेक्शन करंट की है और यही डायरेक्शन हमने मनी मन कंसिडर की है, तो हमारे मन की बात हो रही है ना, जब मन की बात हो रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव, क्या हुआ, फाइव इंटू बताइएगा, फाइव इंटू आई वन प्लस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ आगे इधर चले गए, अभी भी करंट की डायरेक्शन वही है जो हम सोच रहे थे, आई टू है इसमें है फोर प्लस फोर आई। आगे कौन सा टर्मिनल आया, क्या लिखेंगे, क्लियर है, फाइव आई वन प्लस फाइव आई टू प्लस फोर आई टू इज इक्वल टू फोर, फाइव आई वन फाइव आई टू फोर आई टू क्या हुआ, नाइन आई टू। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ना, अब सॉल्व करके क्या होगा, आई वन आई टू कैलकुलेट हो जाएगा। इक्वेशन वन क्या कहती है, आई वन माइनस फोर आई टू इक्वल टू टू माइनस, इक्वेशन टू फाइव आई वन प्लस नाइन आई टू इक्वल टू फोर। इक्वेशन वन को फाइव से मल्टीप्लाई कीजिए, किस चीज से, क्या होगा, फाइव आई वन ट्वेंटी आई टू माइनस आई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्लियर, कैंसिल आउट, क्या आया, ट्वेंटी नाइन आई टू फोर्टीन आई टू इज इक्वल टू फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी नाइन, नियर अबाउट ट्वेंटी एट आएगा ना, फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट, नियर अबाउट पॉइंट फाइव, क्लियर।
आई वन की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ है, समझ में आया? एक एग्जांपल